नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं गुलशन कुमार। बलिया पुलिस एक बार फिर बेनकाब हुई है। बेगूसराय के बलिया थाना की कहानी कुछ ऐसी है जहां सैनिकों का मान सम्मान की बात तो दूर, उन्हें लातों से मारा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं एक रिटायर फौजी राजीव राय ने कही है। ये थाना है या मुकदमों का मंडी जहां रिश्वत खुलेआम ली जाती है, जहां आम लोगों को सुरक्षा देने के बदले डराया जाता है, धमकाया जाता है, जहां 307 धारा लगे हुए को 25,000 रुपये लेकर छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही सुना आपने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बेगूसराय टुडे हवा हवाई में कोई बात नहीं करती। पूरा प्रूफ लेकर मैं स्टूडियो में बैठा हूँ और इस बात को बता रहा हूँ आपको और दिखाऊंगा भी प्रूफ को। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के सदानंदपुर गांव में एक भूमि विवाद में एक पक्ष के फौजी संतोष राय को फटी हुई गंजी और लुंगी में ही रहने को विवश कर दिया जाता है और उसी अवस्था में समस्तीपुर के रोसरा में ले जाया जाता है। कान से टपकते लहू और नग्न वदन में बलिया पुलिस ने एक फौजी को हाथ में हथकड़ी लगाकर घुमाते रहे। वहीं दूसरे पक्ष के राजीव राय को लातों से पीटा और फिर 25,000 रुपया लेकर छोड़ दिया, जिसकी लिखित शिकायत रिटायर्ड फौजी राजीव राय ने सैनिक संघ को दी। डीजीपी साहब, बात बात पर आप सोशल मीडिया पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं। वर्दी का मजाक उड़ा रहे अपने वर्दी धारी से भी पूछेंगे कि इस तरह की बातें क्यों। अगर आपको लगता है कि सबूत चाहिए तो ये रहा वो सबूत। पूर्व सैनिक राजीव राय ने सैनिक संघ बेगूसराय को एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने कहा कि सभी सदस्यगण को प्रणाम और जो भी बातें रखूंगा बिल्कुल सत्य रखूंगा। कल हमारे परिवार में जो कुछ घटना घटी उसका फोटो ग्रुप में डाल दिया था। कल सुबह मेरे जमीन को अपना जमीन कहकर भूतपूर्व आर्मी संतोष कुमार राय के द्वारा अवैध कब्जा कर रहा था, उसमें गम्हार का पौधा रोपण कर रहा था। मेरी माँ और पूरे परिवार के द्वारा विरोध करने पर जानलेवा हमला एक्स आर्मी संतोष राय और उसका चाचा का लड़का पंकज कुमार राय व समस्त परिवार के द्वारा सोची समझी राजनीति के तहत प्रहार किया गया। मैं बेगूसराय में रहता हूँ। मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं सपरिवार अपने गांव सदानंदपुर पहुंचा। तब तक लड़ाई समाप्त हो गया। मेरा भाई जो बिहार पुलिस में सिवान में तैनात है, वह डीएसपी बलिया और थाना अध्यक्ष को फोन किया। पुलिस गई स्पॉट पर और संतोष राय के घर ठंडा और चाय पीकर चली गई। मैं बलिया हॉस्पिटल और थाना पर गया। हमारे तरफ से FIR हो गया। मैं बेगूसराय वापस आ गया। उसके बाद एक पेशेंट का स्लिप लेने थाना गया। वहां पुलिस ने कहा आपका नाम 307 धारा के तहत नाम दर्ज है, आप गिरफ्तार हो गए। मैं थाना में 10 बजे रात तक रहा, फिर मुझे छुड़ाने घर वाले आए। थाना में एक छोटा बाबू उदय शंकर है जो मुझे 2 लात मारा। मैं उनको बोला कि मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ, वह कुछ नहीं सुना, फिर 25,000 रुपया लेकर छोड़ दिया। उपयुक्त बातें राजीव राय ने सैनिक संघ बेगूसराय को पत्र लिखकर कहा। अब सवाल उठता है कि ऐसी बातें बलिया डीएसपी तक क्यों नहीं पहुंचती, ऐसी बातें डीजीपी साहब तक क्यों नहीं पहुंचती, जो डीजीपी साहब फेसबुक पर लाइव आकर बिहार प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं।